नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल बोल्ड और मेरा नाम है नीरज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत काफी शानदार तरीके से की है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। पहले ही मैच में जीत हासिल करना आरसीबी के लिए नए सीजन की शुरुआत एक शुभ संकेत के साथ करने जैसा है। हालांकि यह जीत उनके लिए कुछ मायनों में बुरी भी रही, क्योंकि मैच के दौरान उनके तेज गेंदबाज रीस टोपले चोटिल हो गए। जब आरसीबी की टीम गेंदबाजी कर रही थी, उसी दौरान फील्डिंग करते समय टोपले को चोट लगी। पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद को डाइव लगाकर रोकते हुए टोपले गिरे और उनका कंधा जमीन में फंस गया। इसके बाद वो दर्द से बुरी तरह कराहते हुए दिखाई दिए। फिजियो ने मैदान में ही आकर टोपले का उपचार किया और यह जानने की कोशिश की कि उनकी चोट कैसी है। हालांकि उनकी चोट गंभीर थी और वह दर्द से तड़प रहे थे, इस कारण से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। कुछ समय के बाद यह अपडेट आई कि टोपले के कंधे की हड्डी खिसक गई है, जिसे इंग्लिश में डिसलोकेशन कहा जाता है। अब इस चोट को ठीक होने में कितना समय लगेगा, इस बात की अधिक जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि वह जिस तरीके से मैदान छोड़कर गए थे, उससे यह तो निश्चित है कि वह कुछ दिनों के लिए मैदान से जरूर बाहर होंगे। आरसीबी फैंस और आरसीबी का टीम मैनेजमेंट यह उम्मीद कर रहा होगा कि उनकी चोट इतनी गंभीर ना हो कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। हाल ही में हमने देखा था कि डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस के अहम बल्लेबाज केन विलियमसन सीजन के पहले ही मैच में ऐसे ही फील्डिंग करते हुए चोटिल हुए थे और फिर उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। टोपले का अगर करियर उठा के देखा जाए तो कई बार वो अहम मौके पर चोटिल होते आए हैं। काफी कम एज में उन्होंने स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोट का भी सामना किया है, जिससे उबरने में गेंदबाजों को काफी अधिक समय लगता है। पिछले साल की ही बात करें तो T20 विश्व कप के लिए उनका चयन इंग्लैंड की टीम में हुआ था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्हें चोट लगी और वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह टाइमल मिल्स ने T20 वर्ल्ड कप खेला था। आरसीबी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड के ही ऑलराउंडर विल जैक्स को खो चुकी है। जैक्स चोटिल होने के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। उनकी जगह टीम ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रेसवेल को साइन किया है। हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।